आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और AQI करीब 400 से पार पहुंच चुका है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता है। गुप्ता जी, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आप जिम्मेदार हरियाणा को मानते हैं या पंजाब को मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं दिल्ली सरकार की बात करता हूँ। दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए दिल्ली के अंदर पराली जलाना जीरो कर दिया, किसानों को बायोडिकम्पोजर दिया ताकि पराली खेत के अंदर ही खाद बन जाए, दिल्ली के सारे उद्योगों को CNG और PNG गैसेस पर कन्वर्ट किया, सारे कमर्शियल व्हीकल को, सारे बसेस को, पेड़ों की धुलाई, सड़क से डस्ट का इकट्ठा करना और निर्माण कार्य भी बंद कर दिया ताकि हवा ठीक हो सके। और ये भी संसद का दिया हुआ आंकड़ा है, भारत सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है कि दिल्ली में अच्छी हवा के दिन पहले से सुधरे हैं, परंतु जब पराली जलाने का सीजन आता है, फसल कटाई का सीजन आता है, तो पड़ोसी राज्यों से जो हवा आती है उससे दिल्ली में सांस लेना दुर्बर हो जाता है। हरियाणा के अंदर किसान को ना तो खट्टर सरकार बेलर मशीन उपलब्ध करा पा रही है, ना पराली को इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज वहां लगाई जा रही हैं, ना कृषि पर आधारित इंडस्ट्री वहां पे लग रही हैं। किसान मजबूरी के अंदर कर्ज के बोझ के नीचे दबता हुआ, क्योंकि हरियाणा के किसान पे पहले से कर्ज डबल हो गया है, पराली को जलाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके काटने के लिए और मजदूरी वो खर्च नहीं सकता। उसकी फसल का जब सीजन आता है तो वो बरसात के अंदर भीग जाती है, खट्टर साहब वहां ध्यान नहीं देते, पोर्टल का खेल खेलते रहते हैं, बाढ़ जब आती है उसकी फसल जब तबाह होती है तो उस समय सरकार ध्यान नहीं देती है, तो हरियाणा का किसान मजबूर है। इसी तरीके से हरियाणा का व्यापारी भी मजबूर है, क्योंकि बिजली या गैस की सप्लाई हरियाणा सरकार दे नहीं रही है, तो हरियाणा का जो उद्योगपति है वो डीजल के जनरेटर चलाने के लिए मजबूर है। लेकिन सर, आप हरियाणा के किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में भी किसान जो है पराली जला रहे हैं। देखिए, आपको एक आंकड़े मैं देता हूं जो कल के सारे नेशनल डेलीज के अंदर प्रचारित भी हुआ। देश के 52 जिलों में से 20 जिले प्रदूषित, अति प्रदूषित हरियाणा के, और पंजाब के केवल 2। अगर मैं बात करता हूं AQI 400 से ऊपर की, 6 जिलों में से 4 जिले हरियाणा के, तो आप इससे स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हो पंजाब सरकार के अंदर जो एफर्ट किए हैं तो पिछली बार से आधे से भी कम पराली जल गया। लेकिन क्या लगता है सर, दिल्ली सरकार जो है प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि BJP जो लगातार आरोप जो है दिल्ली सरकार पर लगा रही है? अब तो BJP के UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हरियाणा से प्रदूषण आ रहा है, नोएडा के अंदर उसकी आंखों के अंदर बिल्कुल जब उतरे तो आंखें परेशानी कर रही थी, तो ये तो अब तो उनके मुख्यमंत्री भी कहने लगे, तो अब तो खट्टर साहब को मान ही लेना चाहिए। क्या सर, सरकारों को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, जुर्माना लगाने से ये समस्याएं हल नहीं होगी, ये समस्या हल होगी कि सरकार को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट देने पड़ेंगे। किसान पहले ही कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, किसान को बेलर मशीनें उपलब्ध कराए, पराली अच्छे रेटों पे बिक सके उसके लिए पराली पे आधारित इंडस्ट्रीज वहां पे लगाए ताकि पोल्यूशन की समस्या से छुटकारा मिल सके, उद्योगपतियों को 24 घंटे बिजली दे, और जहां पे जनरेटर अधिक चल रहे हैं वहां पे PNG गैस की लाइन पहुंचाए। तो बिल्कुल, ये थे हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिन्होंने नव द टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।